सेवलिया जी, जनार्दन जी और हमारे ऐसे उनके साथी पहुंचे हैं, श्री रामपाल जी प्रेसिडेंट है जो यूनियन के, डॉक्टर पवन जी, अनंत जी, सरवन जी, मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। कृपया मैं आगे के वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हमने सुनना है तो कृपया करके उनके लिए भी कुछ समय बचा के रखें। आदरणीय इस सभा की अध्यक्षता कर रहे पूर्णिया साहब और बीएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौर्य साहब और हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष जी धोनिया जी, जो भी और महासचिव भैया साहब, इस सभागार में बैठे कबीर दास छात्रावास इस सभागार में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। साथियों, बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही हैं, आने वाले वक्ता भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट पर एक बात कहना चाहता हूं। हमारा समाज जो है डरपोक समाज है, किसी व्यक्ति से नहीं डरता, वो डरता किससे है? अलौकिक शक्तियों से डरता। अलौकिक शक्ति कौन सी है? भगवान के नाम से डरता, देवता के नाम से डरता। और जब पता चला कि भगवान के नाम से डरता है और देवता के नाम से डरता है तो वो अलग अलग दुकानों पर जाता है अलग अलग सौदा खरीदने के लिए। तो ऐसी कुछ दुकानें देश में चल रही, उन तीन दुकानों के जो मॉल मालिक हैं वो पिंजरे में पड़े हैं। और वो पता है वो पिंजरे में क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो मॉल मालिक जो है एक विशेष वर्ण से नहीं है, इसलिए पिंजरे में पड़े हैं। ये बात सोचने की है। भगवान नाम का जो बिजनेस करने का लाइसेंस है ना, वो हमारे पास है। और भगवान को अगर कोई और दे देगा हमारे सिवाय तो उसको हम पिंजरे में भेज देंगे। क्यों? आपने देखा राम रहीम, रामपाल, आसाराम, क्या चीज कॉमन है? एक ही चीज तो कॉमन है कि इनमें से कोई सा भी ब्राह्मण नहीं है। और ब्राह्मणों ने यही बात कहने की कोशिश की है कि भैया भगवान को बेच करके पैसे कमाने का लाइसेंस सिर्फ हमारे पास है, कोई भी भगवान को बेच करके पैसे कमाएगा तो उसे हम पिंजरे में भेजेंगे। ये काम उन्होंने किया है। मुझे नहीं पता राम रहीम अच्छा काम कर रहा था या बुरा काम कर रहा था। कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो वो भी अप्रिशिएट होना चाहिए। मैंने सुना है कि राम रहीम ने बहुत अच्छे काम से स्कूल खोल रखे जहां पर उसका अखबार चल रहा है, उसने मार्केट खोल रखी है और कोचिंग सेंटर चला रहा है, ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है। मगर एक चीज और भी तो कॉमन है ना कि तीनों को एक ही वजह से पिंजरे में भेजा। और वो एक ही चीज है कि भाई इनके पीछे ऐसे घिनौने अपराधी के ऊपर लगा दो कि किसी को काट ही नहीं है। और देश का कानून भी ऐसा है कि 376 का मुकदमा 10 साल पहले किसी ने किया हो, अगर किसी लड़की ने खड़े होकर कह दिया ना कि इसने मेरे साथ में रेप किया तो डाकने की जरूरत नहीं है, उठा और अंदर बंद कर दो। दुखद बात है, कुछ खामियां हैं, उन खामियों से हमें लड़ना है। ये पॉइंट तो रहा धर्म का। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए आज हम यहां पर एकत्र हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार दुख से भरा है, दुख का कारण है और कारण है तो उसका निवारण है। हम बार बार कहते हैं हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के हुक्म, हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के हुक्म। 50 साल मेरी उम्र हो गई, हमारे बहुत सारे महापुरुष कहते हुए चले गए हम इस देश के मूल निवासी, हम देश के हुक्म। आखिर हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के हुक्मरान अब कब बनेंगे? इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि देखिए इस चीज को संत रविदास जी ने कहा कि राजपाट करो को कौना दे है, जो ले है निज बल पे ले, और बल उसमें हर तरीके का होना चाहिए।
जो दूसरे बल आप हमारे पीछे लगा रहे वो बल हमारे पास भी होना चाहिए। कौन कौन सा बल? बुद्धि का बल, मशाल बल, पैसे का बल, धन बल, और मक्कारी का बल भी होना चाहिए। जो मक्कारी का बल आज चल रहा है वो कौन सा बल है? पूरे देश में सारी पार्टियां चिल्ला रही हैं एक को छोड़ करके, ईवीएम गड़बड़ कर रही है, ईवीएम गड़बड़ कर रही है, ईवीएम गड़बड़ कर रही है, मैं भी कह रहा हूं ईवीएम गड़बड़ कर रही है। इसका उपाय क्या है? एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि दोस हु अपोज रिक्वायर टू प्रपोज। जो किसी चीज का विरोध करता है तो बदले में वो एक चीज सुझाव करता है कि भैया ये चीज गलत है, तो सही क्या है सही बताओ, सही करवाओ। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं कहती है ईवीएम गड़बड़ कर रही है, भैया ईवीएम गड़बड़ कर रही है तो सारी पार्टियां इकट्ठी होकर इलेक्शन कमीशन के पास जाते क्यों नहीं हो? ये लोकतंत्र है, इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं है कि वो इलेक्शन करा दे बगैर बैलेट पेपर के, अगर सारी पार्टियां इकट्ठी होकर जाए। मगर होता क्या है, अगर दिल्ली में सरकार आती है कौन था वो आम आदमी वाला, आम आदमी वाला 67 सीट जीत जाता 70 विधानसभा में, तब कोई सौ नहीं बचाता। क्यों? क्योंकि ये आरएसएस की पूर्व नियोजित प्लानिंग है कि पहले किसी दूसरे को जिता दो ताकि तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठे। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो आम आदमी है ये आरएसएस की नाजायज औलाद है। और वो नाजायज औलाद कैसे है वो मैं बता देता हूं आपको, दो मिनट की बात सिर्फ डेढ़ मिनट में खत्म कर दूंगा। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस का राज रहा और दिल्ली के अंदर 14 विधानसभाएं ऐसी विधानसभाएं हैं जिनको मुस्लिम प्रभावित करते हैं, उनमें से पांच उनकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पांच उनके विधायक जीतते हैं। सरकार पार्टी कोई सी भी हो मगर पांच मुस्लिम विधायक जीत करके आते हैं दिल्ली के अंदर, पार्टी कोई सी भी हो पर मुस्लिम ही जीत करके आते हैं। और 9 विधानसभाएं ऐसी हैं कि जहां पर मुस्लिम कहता है कि हमें ये विधायक चाहिए तो वो विधायक जीतता, तो 5 और 9 14। 15 साल के शासन के अंदर आरएसएस को यह पता चल गया कि इस बार मुस्लिम कांग्रेस के साथ नहीं है और दिल्ली के अंदर 3 ही पार्टियां थी उससे बेहतर। जब कांग्रेस के साथ मुस्लिम नहीं है तो फिर मुस्लिम जाएगा कहां? कि जिसके साथ भी मुस्लिम जाएगा जिसकी झोली में वो 14 सीट ज्यादा डालेगा और इतनी अच्छी हवा बनेगी उस पार्टी के हित में तो 16-17 सीट वो अपने आप ही जीत लेंगे। 16-17 सीट नहीं जीतेगा तो 10 जीतेगा तो 25 सीट पर वो सरकार बन जाएगी। तो 25 सीट पर जो सरकार बनेगी वो तो सरकार बना जाएगी। आरएसएस को ये भी पता है कि मुस्लिम मर जाएगा तो अपना बटन नहीं दबाएगा, तो उसको लागू डेमो पकड़ने राय सिद्धि से उसको बिठा दिया धरने पर कि भाई ये देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति है, ये जो कहेगा वो पत्थर की लकीर है। और उसके मूवमेंट को चलाने के लिए पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर मीडिया ने ऐसा हाहाकार मचा दिया कि जैसे वो ज्योति पांडे का रेप नहीं हुआ, ज्योति पांडे की हत्या नहीं हुआ, जो लड़की मरी थी ना दिल्ली में बस में उसका नाम है इसलिए ज्योति पांडे, कि जैसे पूरे देश की बहन बेटियों के साथ में रेप हो गया, ऐसा माहौल पैदा कर दिया इस मीडिया ने पूरे देश के अंदर। और उससे उस मूवमेंट से निकल करके आई आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी एकदम से 28 सीट जीत करके आ गई। फिर 49 दिन की सरकार बनाई उन्होंने, 49 दिन की सरकार का कोई काम नहीं किया और अब 2.5 साल हो गए उसे चलाते चलाते। आज वो कहता है कि नहीं मैं तो काम करता हूं, मोदी नहीं करने देता, एक दूसरे को छींटा हंसी करते रहते, काम करना नहीं है। मिलकर के दोनों मलाई चाट रहे हैं और हमारा देश हमारा जो समाज है ना वो कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। तो मुझे सबसे ये निवेदन करना है कि उसकी चालों को हमें सीखना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। मैं तो सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी संगठन है हमारे दूसरे भाई ने भी कहा रंगा साहब ने कहा कि जहां भी हमारे समाज के लोग जाए जिस संगठन में भी जाए अपने मूल निवासियों के जितने भी संगठन है इस देश के अंदर सब में जाए कोई ना कोई बात हम अच्छी वहां से सीख करके आए। आज आरएसएस इस देश के अंदर 3.5 लाख संगठनों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। दुख की बात यह है हम इतने सारे संगठन चला रहे हैं उसके बावजूद हम अलग अलग अपनी एनर्जी पैसा समय खर्च कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है, हम उसे कुछ नहीं सीखते। उनकी जब प्लानिंग होती है वो अलग अलग संगठन चला करके भी एक हो जाते हैं,
चलाने के बाद भी अलग अलग है, हम बीच में लाइट खींच लेते हैं, उस लाइट को मिटाने का काम नहीं करते। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि जो भी साथी जिस संगठन से भी यहाँ पे संबंधित हो, वो उस लाइन को मिटाने का की कोशिश करें। बहुजन सोशल फ्रंट कभी भी पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं जा रहा, काम करने की कोशिश करें। मैंने चार फार्मूले, चार क्षेत्र गिनाए थे, मैं आज भी उन क्षेत्रों को हर बार कहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। धर्म तो उसी का चलता है जिसकी सत्ता होगी, जब सत्ता आपके हाथ में आ जाएगी तो धर्म भी आपका बन जाएगा। जय भीम, जय मूल निवासी, जय काशी राम, जय प्रभुशंकर। आप लोगों ने मेरे को बुलाया, यहाँ पर समय दिया, मैं मंच का धन्यवाद करता हूँ, संचालक महोदय का धन्यवाद करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने सबको मुझको सुना, धन्यवाद। जय भीम। कर्तन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, सूर्य बहुत प्रैक्टिस करते हैं और हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी है, वहाँ बहुत काम करे हैं। स्वागत श्री रवि बिरला जी, अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे बीच में।